ये प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि एक तो होता है विवाह जिसको संस्कार कहा जाता है। संस्कार का मतलब जो विकार है उसको सुधारा जाए, सही किया जाए। तो जो विवाह है उसमें भी यौन संबंध होते हैं, उसमें भी संतान की उत्पत्ति होती है, लेकिन वो ग्रस्त आश्रम हो जाएगा। और जो आश्रम होता है वो धर्म के नियमों के अनुसार होता है। अब प्रश्न ये है कि स्वच्छंद यौन संबंध, इसका मतलब विवाह की जरूरत नहीं है। ये है पशु वृत्ति। पशु ऐसे करते हैं, स्वच्छंद हैं, लेकिन पशु फिर भी कोई ऋतु होते हैं तब संबंध करते हैं। मानव तो उससे भी ज़्यादा पतन के मार्ग में चला है, जब आए जहाँ आए पशुओं से भी गिरा गुजरा है। और जब भी विवाह से बाहर यौन संबंध स्वच्छंद होगा तो पहले तो उससे उत्पन्न होने से जो बालक होगा उसके लिए शास्त्र ने एक शब्द दे दिया, वर्ण शंकर। और वर्ण शंकर जब कोई पैदा होगा तो संसार में अशांति होगी, संसार के अंदर आतंक फैलेगा, और ऐसे स्वच्छंद यौन संबंध वाले ही असल में दुनिया के दुख का कारण, आतंक का कारण, कष्ट का कारण, लड़ाई का कारण, ये सब वो लोग होते हैं। इसलिए शास्त्र ने मर्यादा बना रखी है, केवल विवाह, वो भी एक विवाह का कलयुग में सिद्धांत है। उससे अधिक विवाह करने के बाद भी भोग ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ये आपको बताया जाए कि शास्त्र में विवाह, जैसे कभी कोई पूछे कि गाड़ी में ब्रेक काहे के लिए होता है, गाड़ी में ब्रेक गाड़ी को रोकने के लिए नहीं होता है, गाड़ी को स्पीड से भगाने के लिए होता है, क्योंकि ब्रेक है तो डर नहीं है, किसी वक्त भी रोक सकते हैं। इसलिए जीवन में भगवान के, अभी हम शास्त्र पढ़ते हैं तो 10 बच्चे, 5 बच्चे, 8 बच्चे, 15 बच्चे, 25 बच्चे और इससे ज़्यादा भी पहले हुआ करते थे। अब काय के लिए तुम पत्नी के साथ रहते हो या बाहर संबंध करते हो और तुम्हें कोई संतान चाहिए नहीं, तो फिर क्या जरूरत क्या है इस चीज़ की? गृहस्थ आश्रम केवल परंपराओं की रक्षा के लिए और पीढ़ी को चलाने के लिए है, ताकि हमारी कुल परंपराएं जीवित रहें, संतान की उत्पत्ति के लिए है। अरे कोई वृक्ष हो उसमें फल नहीं लगे तो किसी काम का है? कोई ग्रस्त है और कहे कि मुझे संतान ही नहीं चाहिए तो किस काम का है? वो तो केवल यौन संबंध के लिए किया है, तो पशु वृत्ति हो गई। स्वच्छंद कभी नहीं होना चाहिए, मर्यादा में होना चाहिए। और शास्त्र ने मर्यादा के लिए गृहस्थ आश्रम को स्थापित किया है, जिसमें यज्ञ करके देवताओं को सन्मुख रख के और आज्ञा मांगी जाती है भगवान की सेवा करने के लिए और परंपराओं की रक्षा के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए। पुत्र हो तो पीढ़ी चलेगी, पुत्री हो तो दो परिवारों को जोड़ेगी और विस्तार करेगी स्त्री बनने से। कभी ऐसा नहीं कि पुत्र ही केवल चाहिए, ये भी आश्चर्य लगता है। गाय बछड़ी देती है तो खुश होते हैं और माँ लड़की का जन्म देते हैं तो दुख होता है, और गाय अगर बछड़े को जन्म देती है तो दुखी होते हैं ग्वाला के, अरे बछड़ा कैसे पालेंगे? अरे बछड़ा धर्म का प्रतीक है, तुम्हारे घर में धर्म आया है तो तुम्हें सुख होना चाहिए, और अगर घर में गाय आई है तो माता आई है तो खुश होना चाहिए। ऐसे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन संतान के लिए ही केवल यौन संबंध शास्त्र ने निर्धारित किया है। इससे बाहर, चाहे ग्रस्त में या ग्रस्त बाहर, अगर कोई भोग के लिए करता है तो वो भोग उसके लिए रोग बन जाएगा। अगर कोई संतान बन गया तो अवैध संतान वर्ण शंकर बन जाएगा। और भगवान ने कहा है कि वर्ण शंकर संसार में संकट का कारण है। और इस वक्त दुख से कहना पड़ता है, पूरे विश्व के अंदर सिंगल पेरेंट वाले बच्चे और ऐसे वर्ण आश्रम से भ्रष्ट और विचलित लोग हैं, जिनकी संतानें संसार के लिए बड़े संकट का कारण बनी हुई है। इसलिए इस भोग के मार्ग को छोड़ के योग के मार्ग के ऊपर और भक्ति योग के ऊपर मार्ग के चलना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देशों में भी जब उनको संस्कारित और शिक्षित करना चाहा तो उनका विवाह संस्कार कराया और नियम भी 4 नियमों में रखा। विवाह से बाहर स्त्री पुरुष का यौन संबंध निषेध है, वर्जित है। ये 4 नियमों में एक नियम
अपनी मर्जी से नहीं, भागवत के आधार पर रखा है कि जहाँ स्वच्छंद यौन संबंध होगा वहाँ कलयुग का निवास होगा, और जहाँ व्यभिचार होगा वहाँ कलयुग का निवास होगा, और जहाँ कलयुग होगा वहाँ कलह होगी। तो कलह से बचना चाहते हैं तो फिर विवाह के अंदर गृहस्थ आश्रम का ही केवल शरण लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। हरे कृष्ण।